और सभी सुंदर सुंदर बोलते हैं और जब मैं सुंदर लग रही हूँ तब नहीं दिखा रहा। मैं नहीं बोलता सुंदर किसी को। अच्छा ये आ रहा है ना, हाँ से रॉन्ग साइड गया था वहाँ तक। हाँ इतना बहाव था पानी का। अच्छा से आया लौट के। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे इस व्लॉग में पार्ट टू। और गाइस बहुत अच्छी अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी है। अभी सूर्योदय प्रकट तो नहीं हुए हैं पर उधर बद्रीनाथ के पहाड़ों में बर्फ गिर गई है, बहुत देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। साथ ही साथ सभी लोग उठ चुके हैं। ये पंकज भैया भी सब उधर के रूम में है और अभी क्या बोलते हैं, अभी मैं यहाँ पर अभी उठा और अभी जाऊँगा मैं देखते अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता गाइस। देखिए गाइस उधर के पहाड़ों में बर्फ, एकदम सुनहरी बर्फ गिर रही है और धीरे धीरे धूप भी आ रही है। आप जैसे उधर के पहाड़ों में देख सकते हैं और यहीं पे भी वो देखिए बर्फ 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 गिरने लगी गाइस। बोबो और ये है गाइस सतोपन तौली रिसोर्ट, देखिए बहुत ही बढ़िया है, एकदम झकास खतरनाक। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। जो बंदे नए हैं इस ब्लॉग पे, इस चैनल पे जो बंदे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए कि कितने बढ़िया धमाकेदार ब्लॉग्स आते हैं हमारे। और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, 2K कराने में अपनी जी जान लगा दीजिए, 2K करा दीजिए जल्दी से और फिर वॉच टाइम भी पूरा करवा दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो चुके फटाफट और धमाल मचा सके हम। तो गाइज हम करते हैं स्लीपिंग ब्यूटी इंजॉय और हाँ ये है, ये हम करते हैं स्लीपिंग ब्यूटी इंजॉय और साथ ही साथ हाथी पहाड़ इंजॉय। तो तब तक के लिए बने रहिए। सो गाइस मैं अभी नहा के बाहर आ चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, नहा के एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। और आपको मैंने बाथरूम नहीं दिखाया था, अब मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया है बाथरूम और यहाँ पे सिंक सॉरी और ये टॉयलेट और ये यहाँ है बाथरूम। देखिए गाइस और बहुत ही शानदार बहुत ही खतरनाक यहाँ पे मजा आ गया नहा के। देखिए सॉरी। तो गाइस अभी मैं फटाफट से तैयार होता हूँ क्योंकि मैं अभी टॉल में हूँ। सो गाइज हम रुके थे वो वाले टावर में, मोनाल टावर में, और ये है पूरा सा रिजॉर्ट जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और चलिए नाश्ता। जी 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 सर बिल्कुल। ओए चलो चलो चलो। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने और नाश्ते में है शहद से पराठे, दाल मखनी और दही और सब लोग रेडी हो चुके हैं और साथ में जी भी है और सभी सुंदर सुंदर बोलते हैं और जब मैं सुंदर लग रही हूँ तब नहीं दिखा रहा। मैं नहीं बोलता सुंदर किसी को। अच्छा ऐसे में बड़ा सख्त लौट डाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मैं नहीं बोलता सुंदर, सुंदर बोलने नहीं चाहिए किसी को, भाव उड़ जाते हैं उनके। इसको तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या नाश्ता है। सो गाइस यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है और साथ में है दाल मखनी, पराठे, अचार और दही। सो गाइस अभी यहाँ से कर रहे हैं हम चेकआउट। सही में बहुत ही अच्छी सर्विस थी सतोपन तौली रिजॉर्ट की और साथ ही में सतोपन तौली रिजॉर्ट के मैनेजर सूरज रावत, हाँ सूरज रावत जी और साथ ही में बसंत, हाँ बसंत जी। बहुत ही अच्छी सर्विस रही सबकी स्टाफ मेंबर्स की। तो प्लीज़ विजिट करिए सतोपन तौली रिजॉर्ट जब भी आप लोग अगर ओली आए शादी पार्टी हेतु किसी भी चीज़ के लिए संपर्क करें, हनीमून टूर्स किसी भी चीज़ के लिए भी, तो प्लीज़ डायल करिए सतोपन तौली रिजॉर्ट। मैं आपको कार्ड भी दिखा दूंगा, कार्ड की फ़ोटो दिखा दूंगा मैं आपको। तो फिर गाइज बहुत ही बढ़िया लगा और यहाँ से आप चेकआउट करें फिर यहाँ से हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तब तक के लिए बाय गाइज, करते हैं हम यहाँ से विदा, अपने ब्रदर्स से विदा लेते हैं और आते हैं फिर से। तो चलते हैं हम।
कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं कल गोपेश्वरी में। ठीक है ठीक है ठीक है मोनू भाई। ओके बाय। ठीक है भैया मोनू, मिलते हैं फिर से। ओके ठीक, बाय 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 बाय। ओके ठीक है ठीक है ठीक है भैया। सो गाइस अब हम यहां से चलते हैं। गाइस मैंने हड़प ली है अपनी, जब वीडियो कॉल करोगी ना तुम आरती जी की सीट हड़प पे हड़ा। अभी नहीं फोन करके। सो गाइस अभी मैंने आरती जी की सीट हड़ा हड़प ली है, मतलब ले ली है, छीन ली है, कुछ ऐसा बोल के कि मेरे को व्लॉग बनाने के लिए वीडियो बनानी है। ऐसा बोल के? हां मैं आ रही हूं। बैठ नहीं दूंगा मैं आ रही हूं। और बेचारी पीछे चली गई, और वो भी बीच में बैठ रखी दोनों के। कहां है वो दूसरी ताड़ी का? वो ताड़ी का सर फोन में बिजी नहीं होना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। कौन है सोनी? गाइस अभी यहां से हम निकलते हैं, ऐसे तो पंतोली रिसॉर्ट को बाय कहते हैं। ओके अजय भाई बाय बाय, चलो धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय। ले लिया है हमने यहां से विदा और सीट भी हड़प ली है। दिन 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 बेचारी चेंज करना पड़ेगा। मैं करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। तुम उसे चेंज। ए भेड़ो भेड़ो हम लोग यहाँ से कटते हैं ना हिट में पार्क। तो गाइस ये है यहाँ जोशीमठ का मार्केट, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और अभी अभी नीचे आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, देखिए आप जस्ट देख सकते। अगर उड़ा तो बहुत ही बढ़िया, आपको दिख जाएगा उड़ता कैसा है। गाइस हाथी पहाड़ देखिए, बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका है आज। भगवान बद्री विशाल जी की कृपा है आज भैया नी। हाँ बिल्कुल है, नवरात्रि की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माताएं हमारे पीछे बैठी हुई हैं, दुर्गा माता, काली माता और सरस्वती माता, लक्ष्मी माता भी कह सकते हैं बैठी। बिल्कुल हाँ। और हमारा भटक बहरा ताड़का 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 है। हो अरे रुको रे, अरे रुको रुको, बंद करो उसको, अरे बंद करो रे भाई, कॉपीराइट पड़ेगा। हाँ मैं अभी तक मतलब ज्यादा पे नहीं पड़ेगा, एक दूसरे पे। ओ उड़ गया उड़ गया, हेलीकॉप्टर उड़ गया। मैंने ये बोला था ना हाँ। कि सोनी को भी बोला था कि यार मैंने कहा उसके लिए गिफ्ट रखा है, अंशुल के लिए अच्छा गिफ्ट है, बढ़िया गोप्रो होगा, ये होगा वो होगा, तुक्का मार रही है। अच्छा है कुछ है इसको निकल जाना चाहिए। तो गाइस हम चले बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, और बहुत ही प्यारा मार्केट जोशीमठ मार्केट। रंगीलो हमार पहाड़ लग जालो तेरु माना, एक बार फोन देना प्रियंका। सीढ़ीदार खेत देखली हरी भरी डाना, रंगीलो हमार पहाड़ लग जालो तेरु माना। ओ बाना ओ बाना माधुली हिट म्यार दगड़ दगड़। हाँ यहीं पे है, ये नया बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं। अच्छा। ये धोली दूंगा, यहाँ पे है हाँ, ये अलग है। ये आ रहा है ना हाँ, से रॉन्ग साइड गया था वहाँ तक। हाँ इतना बहाव था पानी का। अच्छा से आया लौट के पानी देखो आराम।
लटी में छजोरे बना हरिया शरद जसी खिली रोते रोजो बना। तो गाइस हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही चुके हैं और पहुंच गए हैं। देखिए गाइस बद्रीनाथ जी, जय बोला बद्रीनाथ जी। आहा सर क्या बढ़िया वो है, लिरिक्स भी साथ दे रही। जय बद्री विशाल, वेलकम स्वागतम। सो गाइस यहाँ ठंडा बहुत हो रहा है और कट 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 की आवाज़ भी बहुत आ रही। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर ली है और अभी जाएंगे हम सीधा मंदिर में, क्योंकि 1 बजे भोग लगने का टाइम है और अभी बजे हैं 12, तो 1 से 2 बजे तक या 3 बजे तक कपाट बंद रहेंगे, तो फिर पूरे 2 घंटे बर्बाद होंगे। तो फिर तब उससे बढ़िया अभी चलते हैं फटाफट। हमने प्रस्थान कर लिया है बद्रीनाथ जी के मंदिर की ओर और सभी लोग साथ में देखिए जय बद्री। और गाइस बद्रीनाथ जी के मतलब दर्शन हो चुके हैं यहीं से पहले। बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस, समय भी कम बचा है, सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, फिर देखते क्या होता है। और अलकनंदा, जो अलकनंदा नदी है वो ठीक हमारे अभी नीचे बह रही है। और ये देखिए गाइस अलकनंदा रिवर, यहाँ पे इतनी हवा चल रही, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। और यहाँ तप्त कुंड गाइस, मैं अभी जाएंगे थोड़ी देर में जाएंगे यहाँ भी, पहले चलते रहते सीधा मंदिर में। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में और ठीक हमारे पीछे ही बद्रीनाथ जी हैं। कैसा लग रहा है आपको? बिठा दो ना। गाइस देखिए ठीक यहाँ पे हैं हमारे बद्री विशाल जी और हम अभी दर्शन करने पीछे से जाएंगे शायद, क्योंकि आगे से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं कि क्या क्या होता है, आगे से जाते हैं पीछे से जाते हैं, प्रसाद भी ले लिया है। गाइस देखिए मंदिर के पीछे का व्यू और अभी शायद से भोग लग रहा है भगवान जी को और पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा। ये देखिए ठंड भी बहुत है सुरसुरी और बेचारी को ठंडा लग रहा है। देखते क्या होता जल्दी मिले। और ये शायद गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रखी है इधर, पता नहीं क्या। देखिए सभी मंदिर यहाँ पे और देखिए बहुत ही बढ़िया दर्शन हो चुके हैं बद्री विशाल जी के और बहुत ही भीड़ है इधर। नवरात्रि भी है इस वजह से बहुत ही भीड़ और किया, वहाँ भी बहुत अंदर भीड़ थी तो मतलब धक्का मुक्की हो रही थी ज़्यादा। और हो गए दर्शन, हो गए बढ़िया से दर्शन हो गए मनोकामना पूरी भी। अभी फोटो सेशन शुरू हो रहा है, कैमरा वैमरा सब आ गया है और आप खींचते हैं फोटो, फोटो शूट होगा और सारी फोटोज़ मिलेगी आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे आ रहा होगा तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए और सारी फोटोज़ वहीं दिखेगी। देखिए बद्रीनाथ जी और अभी बद्रीनाथ जी का भोग लग रहा है तो इस वजह से धक्का मुक्की हो रही थी उधर। और देखिए कपाट अभी मतलब 3 बजे तक बंद रहेगा मंदिर, क्योंकि भगवान जी आराम कर रहे हैं या फिर भोग लग रहा है, तो फिर तब हम तब सीधा खुलेगा 3 बजे बाद। कितना प्यारा 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 मतलब एक अलग ही फील है। जय बद्री विशाल की, जय बद्री विशाल की। अरे अरे धन्यवाद। अभी हम फोटो शूट वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब हम विदा लेते हैं बद्रीनाथ जी से, यहाँ पे से विदा लेते हैं और चलते हैं थोड़ा सा खाना वगैरह खाने और देखते हैं कि क्या क्या अब करते हैं। और भगवान बद्री विशाल जी का सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं कि उनके बुलावे पर ही हम आ पाए और
उनकी अगर आज्ञा नहीं रहती थी तो शायद ही हम नहीं आ पाते थे, तो उनका आशीर्वाद बना रहा, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए। कहाँ आ रहा? हाँ, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए। सो गाइस, हमने विदा ले लिया है बद्रीनाथ जी के प्रांगण से, और अभी हम रास्ते पे हैं, अभी रोड पे जाएंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे सीधा गोपेश्वर की ओर। तो गाइस, थोड़ी सा पार्ट और बचा है, तो पूरा ब्लॉग देखिए और इंजॉय कीजिए। आप ये बैग में डालिए और इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए। अगली बार सर मैं भी पक्का करूंगा ऐसा। और गाइस, अभी प्लान थोड़ा सा चेंज हो चुका है और हम आ चुके हैं नरसिंह मंदिर में, जो नरसिंह भगवान जी का स्थल है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। और अचानक प्लान बना दर्शन का, बारिश भी लग रही है, तो देखते हैं, अब हम चलते हैं दर्शन करने। चलो, जय हो नरसिंह देवता, नरसिंह भगवान की जय। जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह देवता, जय नरसिंह, जय नरसिंह। हम लोग आ चुके हैं नरसिंह भगवान जी के दर्शन करके, और अभी हम जा रहे हैं वापस गोपेश्वर, और गोपेश्वर जा रहे हैं हम, और गोपेश्वर जा रहे हैं, जा रहे गोपेश्वर, गोपेश्वर जा रहे हैं। हाँ, तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कर दीजिए, और साथ ही साथ जो बंदे नए हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ उसको भी फॉलो कर दीजिए, और बहुत ही धमाका हुआ इस ब्लॉग में। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।